डीएसपी अब्दुल गनी के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर का बयान। डीएसपी के बीवी बच्चों को डेढ़ साल रिक्शा की सहूलत दी, पैसे मांगे तो पर्चे की धमकियां दी गई। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक हमजा। फारूक हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीएसपी अब्दुल गनी के खिलाफ एक रिक्शा ड्राइवर का बयान सामने आया। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया कि डीएसपी अब्दुल गनी ने रिक्शा ड्राइवर को किराया मांगने पर जाली मुकदमों में फंसाने की धमकियां देना शुरू कर दिए हैं। रिक्शा ड्राइवर इमरान लोधी तकरीबन डेढ़ साल के अरसा से डीएसपी अब्दुल गनी के बच्चों और बीवी को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रहे थे, लेकिन जब किराया मांगा जाता था तो मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जाता रहा है। इस हवाले से जो ड्राइवर है उसका ये कहना है कि सुबह शाम की ड्यूटी के साथ साथ रिक्शा ड्राइवर मैं जो हूँ घर का सौदा सल्फ और पानी की बोतलें भी भरकर लाया करता था। सफाई भी मुझसे कराई जाती थी, लेकिन जब मैं किसी बात से इनकार करता था तो मुझे मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जाता रहा। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि मेरा 1,50,000 रुपए किराया जो है वो डीएसपी अब्दुल गनी की जानब बनता है, लेकिन अब मुझे मुख्तलिफ मुकदमों में उलझाए जाने की धमकियां दी जा रही हैं और मेरे खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद कोरी का कहना है कि अगर हमारी बात आईजी और सीटीओ ने ना सुनी तो हम इस हवाले से एक भरपूर और बड़ा मुजाहरा करेंगे और लाहौर की सड़कें जो है वहाँ पर बैठ जाएंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। रिक्शा ड्राइवर का ये भी कहना है कि बीवी और जो है वो वार्डन है डीएसपी की और बच्चे जो है वो स्कूल में जाते थे, जिनको सुबह शाम मैं पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मुहैया करता था और घर के काम काज भी मुझसे करवाए जाते थे, लेकिन मुझे मेरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा और अब जब मैंने इस हवाले से कार्रवाई करने की कोशिश की है तो मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमे बनाए जा रहे हैं और मुझे हरासा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।